बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक ऐसी ख़ास और मुजर्रब तस्बीह का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये तस्बीह जो है इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये फ़रिश्तों की तस्बीह है और इस तस्बीह को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला की फ़ौरी मदद जो है वो मिलती है। ये तस्बीह आपने उस वक़्त पढ़नी है यानी जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो, जब भी आपको रिज़क में इजाफ़ा करना चाहते हों, जब भी आप अपने घर से गुर्बत को ख़त्म करना चाह रहे हों, जब भी आप अपने घर के जो माली हालात है उनको बदलना चाह रहे हों, तो ये तस्बीह आपके घर से गुर्बत को इतनी तेज़ी के साथ ख़त्म कर देगी जैसे कि पानी ऊंचाई से नीचे ढलवान की तरफ आता है। अल्लाह पाक इतनी तेज़ी से आपको जो है इन मसाइल से छुटकारा दे देंगे, क्योंकि ये तस्बीह ख़ुद हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। एक सहाबी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपसे अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत आ चुकी है, मेरे घर में इतनी ज़्यादा परेशानी है, इस कदर हालात ख़राब हो गए हैं कि मुझसे कोई मिलना गवारा नहीं करता, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, मेरे अपने भी मेरे घर आना पसंद नहीं करते हैं और जो हमसाए हैं वो भी मुझसे, उन्होंने भी बोलचाल ख़त्म कर दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं है जो तस्बीह है फरिश्तों की और जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो रोज़ी देते हैं, और ये तस्बीह तू अगर पढ़ लेता है तो तेरे घर से गुर्बत तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाएगी, तेरे घर के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो वो सहाबी घर चले गए और उन्होंने वो तस्बीह पढ़ी जो कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताई। तो उस तस्बीह को उन्होंने थोड़े ही दिन पढ़ा और दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपसे अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तस्बीह को पढ़ते हुए सिर्फ 7 दिन ही गुजरे हैं कि मेरे पास इस कसरत से दौलत आई है कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं दौलत को कहाँ रखूँ, कैसे संभालूँ। इस अमल से ना सिर्फ मेरे घर के हालात बदले हैं बल्कि जो मेरे हमसाए हैं वो भी अमीर हो गए हैं। तो ये तस्बीह इतनी ख़ास है, इतनी मुजर्रब है कि किसी भी परेशानी के हल के लिए, किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए इस तस्बीह को अगर आप मुसलसल पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह पाक आपको मौजज़ात दिखाना शुरू कर देते हैं, आपकी परेशानियाँ फ़ौरन हल होना शुरू हो जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर मुश्किल को फौरी हल कर देते हैं। तो जो तस्बीह आपने पढ़नी है वो ये है कि जब भी आपको लगे कि आपको पैसों की अशद ज़रूरत है या किसी भी काम में कामयाबी चाह रहे हैं, किसी भी मुश्किल को फौरी हल करना चाह रहे हैं और आपको कहीं से भी कोई वसीला नज़र नहीं आ रहा है, कहीं से कोई असबाब नज़र नहीं आ रहा है कि आपका वो मसला हल हो जाए, तो फौरन ये तस्बीह जो है बावजू होकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो तस्बीह है वो ये है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। ये तस्बीह आपने पढ़नी है, इस तस्बीह को जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे अल्लाह पाक उतने ज़्यादा मौजज़ात आपको दिखाएंगे। एक हदीस पाक में है कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई बंदा अपने सारे दिन भर में सिर्फ 100 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दी ही पढ़ता है तो उसके अगर गुनाह समंदर की जाग के बराबर भी हैं तो अल्लाह पाक उनको मुआफ़ कर देते हैं। तो कितनी ज़्यादा फजीलत है इस तस्बीह को पढ़ने की। तो ये तस्बीह जो है इसको आपने पढ़ना है जब भी आपको लगे कि कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, किसी मकसद में कामयाबी चाह रहे हैं तो इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए अपनी आँखों से देखेंगे कि अल्लाह पाक कैसे कैसे मौजज़ात आपको दिखा रहे हैं। तो आज का ये अमल आप ख़ुद भी करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।